Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel Fashion Camp. जी व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप? I hope so ठीक ठाक होंगे. तो व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो है ब्यूटीफुल हैंगिंग कलेक्शन आइडियाज़ पर. तो व्यूवर्स, मेरी इस मुकम्मल वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंगिंग चेयर्स नज़र आएंगी. इसी के साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हैंगिंग चेयर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. अगर आप हैंगिंग की चेयर को अपने रूम के लिए चाहते हैं तो किस तरह का डिज़ाइन आपके रूम के लिए बेहतरीन रहेगा. इसी के साथ साथ आपको आपके घर के किसी भी एरिया के लिए अगर तो हैंगिंग चेयर चाहिए तो वो तमाम आइडियाज़ मिलेंगे आपको मेरी एक ही वीडियो में. वो एरिया हो डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, आउटडोर एरिया या फिर हो इंडोर एरिया. इसी के साथ साथ गार्डन एरिया, बालकनी, ये तमाम जगहें ऐसी हैं जिन पर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हुई लगती है. इसी के साथ साथ आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि जिस जगह पर आपने हैंगिंग चेयर लगानी है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होगा वो किस तरह से डेकोरेट किया जा सकता है. उसके पीछे वाली जो बैक वॉल होती है वो भी, और इर्द गिर्द का एरिया, और इसी के साथ साथ आप हैंगिंग चेयर को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं ये भी आपको आइडिया मिलेगा मेरी इसी वीडियो में. हैंगिंग चेयर का इस्तेमाल मोस्टली गर्ल्स और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से करते हैं. हैंगिंग चेयर को बेडरूम के किस एरिया में आप लगा सकते हैं, आपको ये सारे आइडियाज़ यकीनन मेरी इस वीडियो से मिल गए होंगे. गर्ल्स हैंगिंग चेयर को कुशन, पिलोज और इसी के साथ साथ फ्लावर्स और लाइटिंग के साथ डेकोरेट करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी इस मुकम्मल वीडियो में आपको जो हैंगिंग चेयर्स नज़र आएंगी वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं. इनके कलर्स और इनके डिज़ाइंस टोटली डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ख़ूबसूरत हैं. तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैंगिंग चेयर कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी. खवातीन हमेशा अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिशों में लगी रहती हैं और हर न्यू आइडिया, न्यू कलेक्शन अपने घरों में ज़रूर अप्लाई करती हैं. खवातीन अपने घर का कोई भी कोना बिल्कुल नहीं छोड़ती कि वो उसको खूबसूरत ना बनाए. तो हैंगिंग चेयर इसके लिए बेस्ट आइडिया है. तो व्यूवर्स, मोस्टली शाम को फ्री होने के बाद मोस्टली चाय के साथ इस हैंगिंग चेयर पर बैठकर एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है. तो व्यूवर्स, इसी के साथ साथ बात करती हूँ नज़र आने वाली आपको स्क्रीन पर खूबसूरत चेयर्स पर. जैसा कि ये चेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है, ये है वुडन की चेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है. इस चेयर पर यूज़ किए गए कुशन और पास पड़ी स्मॉल टेबल्स इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे. तो व्यूअर्स, ये देखिए किस कदर खूबसूरत डिज़ाइन है. हैंगिंग चेयर्स आप जिस भी कलर की चाहें वो बनवा सकती हैं.
हैंगिंग चेयर्स आपको मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपना कोई फेवरेट डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं। रूम के हिसाब से आप अपने थीम के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत बनाई गई है फूलों के साथ। ये देखिए बैक की वॉल इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने किस कदर खूबसूरत वॉल थी और इसी के साथ साथ हैंगिंग चेयर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करने की वजह से मेरे हर वीडियो पर आपके लाइक को देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से मेरी आने वाली हर वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सकेगी और आपको इसी तरह मिलती रहेंगी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और न्यू आइडियाज़। तो व्यूअर्स, ये देखिए बेड के साइड पर किस तरह से हैंगिंग चेयर यूज़ की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए किस तरह से इस चेयर को लगाया गया है। इसी के साथ साथ ये है गार्डन एरिया जिसमें टू चेयर्स का यूज़ किया गया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये देखिए लाइटिंग, जिसकी बात मैंने आपके साथ वीडियो के आगाज़ में ही की थी। और ये देखिए यहाँ से आपको टू चेयर्स के आइडियाज़ भी मिलेंगे कि टू हैंगिंग चेयर्स का किस तरह से एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से वॉल पर वॉल को भी डेकोरेट किया गया है। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ मिलूंगी न्यू वीडियो में और न्यू कलेक्शन में। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल, मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में रखिए याद और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।